ये देश राम के भरोसे चलता है। मेरा काम है इतिहास की परत को खोलना। इतिहास का मतलब समझते हो? एक दस दुनिया में श्री राम के लाखों मंदिर हैं, पर सेतु सिर्फ एक। गभीर सागर गर्भांतर रास्ता, अतिलोक महिमान्वित महासिक्ति युता, हनुमान रुधिर मणि निरीक्षण। साउथ की आने वाली सुपर हीरो मूवी हनुमान, जिसका क्रेज फैंस के सिरों पर चढ़ा हुआ है, मूवी की रिलीज डेट कई बार पोस्टपोन हो चुकी है, लेकिन अब फाइनली मेकर्स की ओर से मूवी की रिलीज डेट को कंफर्म कर दिया गया है। जी हां दोस्तों, हनुमान मूवी की रिलीज डेट सामने आ चुकी है। मूवी के डायरेक्टर प्रशांत वर्मा ने इसकी अपडेट दी है। प्रशांत वर्मा के मुताबिक मूवी अगले साल मकर संक्रांति के मौके पर 12 जनवरी 2024 को पैन इंडिया रिलीज कर दी जाएगी। वहीं बात करें मूवी की अनाउंसमेंट 2021 मई में कर दी गई थी, लेकिन मूवी को बनने में 2 साल का लंबे समय लग गया, क्योंकि ये मूवी एक सुपर हीरो मूवी होने वाली है जिसमें खूब सारा VFX यूज किया जाएगा। तो वहीं आपको बता दें कि ये मूवी प्रशांत वर्मा की प्रशांत सिनेमैटिक यूनिवर्स का हिस्सा होने वाली है, और इस यूनिवर्स में हम सबको अधीरा मूवी भी देखने को मिलने वाली है। अधीरा मूवी का टीजर ऑलरेडी रिलीज कर दिया गया है, जो कि काफी ज्यादा देखने में अच्छा लग रहा है। तो वहीं बात करें हनुमान मूवी की, तो बीते साल नवंबर में मूवी का एक छोटा सा टीजर रिलीज किया गया था, जिसे देखने के बाद फैंस मूवी के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे। इससे पहले मूवी के डायरेक्टर प्रशांत वर्मा ने मूवी से जुड़े अपडेट शेयर किए थे और बताया था कि मूवी में VFX पर काम चल रहा है, जो कि जून के एंड तक कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो वहीं बात करें फाइनल डेट की, तो अब कंफर्म हो गई है कि मूवी हमें मकर संक्रांति के मौके पर देखने को मिलने वाली है। तो वहीं इस मूवी में मेन लीड रोल में हम सबको यंग एक्टर तेजा सज्जा नजर आने वाले हैं। इससे पहले भी कई मूवी में नजर आ चुके हैं, तो वहीं तेजा सज्जा के अलावा अमृता अय्यर और भी बड़े बड़े कलाकार नजर आने वाले हैं। तो आप सब हनुमान मूवी के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।